अब हम बात करते हैं इन्फो फॉर्मूले के बारे में। इन्फो, अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मेरा एक्सेल का वर्जन कौन सा है, क्या मेरा पीसी डॉस बेस्ड है, या जो भी आप एप्लीकेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो आपको इन्फो फॉर्मूला से मिलता है। तो इन्फो फॉर्मूला लगाइए, इसे मुझे पता करना है कि मेरा एक्सेल कौन सा है, तो बस आप सबसे नीचे रिलीज पे चले जाइए, राइट। रिलीज पे जाते ही आप एंटर प्रेस करके रिलीज पे जाके रिलीज को सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट कैसे करेंगे, टैब से, टैब प्रेस करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये बता दिया 16.0। अब 16.0 इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको 2016 है सर, ये आपका 2019 होगा, समझे। 2016 में करेंगे तो 15.0 दिखाएगा, 2013 में करेंगे तो आपका 14.0 दिखाएगा। तो 16 मतलब 2019 से 16.0 है। अब इसकी वर्जन लिस्ट गूगल पे सर्च, माइक्रोसॉफ्ट के गूगल पे सर्च करेंगे वर्जन लिस्ट तो आप बता देगा किस वर्जन का क्या नंबर है, राइट सर। राइट सर। उसके बाद इसी में और भी है कि आप इन्फो के अंदर में आप यहाँ पे दीजिए इन्फो फॉर्मूले के अंदर में, मान लीजिए मैंने दिया सिस्टम, तो सिस्टम जो है हमारा डॉस बेस्ड है तो पीसी डॉस हो गया, मैक होगा तो मैक आ जाएगा, मैकिंटॉश आ जाएगा। उसी तरह से इन्फो में मुझे पता करना है कि मेरी फाइल का डायरेक्टरी क्या है, डिफॉल्ट डायरेक्टरी, तो ये आ गया आपको डॉक्यूमेंट। अब बोलेंगे ये डायरेक्टरी क्या होता है, तो मेरा फाइल जो सेव है उसमें, नहीं नहीं फाइल जो सेव है उसमें, तो मैं आपको सेल का फॉर्मूला समझाया था, ये आपका डिफॉल्ट डायरेक्टरी। जब आप कंट्रोल एस जब आप करते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया तो जो बाय डिफॉल्ट खुल के आता है, यहाँ ये जो माय डॉक्यूमेंट आता है ना सर बाय डिफॉल्ट, तो ये आता है, जिसकी जिसको हम चेंज कर सकते हैं ऑप्शन में जाके, ऑप्शन से यहां से चेंज कर सकते हैं। तो ये जो पाथ होता है डिफॉल्ट फाइल लोकेशन, जब कंट्रोल एस करते समय डिफॉल्ट आता है वो आपको, जब इन्फो में आप डायरेक्टरी सिलेक्ट करते हैं तो आता है। तो इन्फो फॉर्मूले की मदद से आप अपने पीसी, अपने एक्सेल की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।